हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फिरोज और आप लोगों का सर्व मित्र फिरोज अतार इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पाथरी सिटी से तकरीबन 12 किलोमीटर करूड़ इस गांव में आ चुका हूँ, जहाँ से हमें कॉल किया था। फोन कौन लगा था? लखन उपनर, जहाँ पर मनीषा गोल्लर, उनके घर के अंदर एक सांप को देखा दिया है, मतलब कहीं पर इसने पना लिए। तो दोस्तों, अंदर जाकर देखेंगे सांप कौन सा है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे और इस सांप को सुरक्षित जगह आजाद करेंगे, रिलीज करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, देख रहे हैं आप, घर के अंदर टीवी का दीवान, इस दीवान के अंदर काफी बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। दोस्तों, शायद खाने के चक्कर में, भोजन के फिराक में, जैसे कि मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये खाने के चक्कर में घर के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। दोस्तों, काफी वक्त लगा इस इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा को ढूंढने में, हालांकि काफी छोटा घर है, बैटरी मार रहा है, और इतने छोटे से घर के भीतर भी इकड़े बैटरी देख रहा है, काफी जगह ढूंढ ली, क्योंकि दोस्तों हर जीव अपने बचाव के लिए कोशिश करता है। ऐसी इस कोबरा ने भी कोशिश की, बोट वगैरह वर्षे भारतीय नाग अलग अलग राज्य में घेवन, फितार, पदम, साइंटिस्ट नेम नाजा। दोस्तों, इस नाग के अंदर, प्रैक्टिकल कोबरा के अंदर न्यूरोटॉक्सिक का वेनम होता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो तकरीबन कुछ घंटों के अंदर इस व्यक्ति की, उस इंसान की मौत तय है, अगर हम समय पे अस्पताल इलाज ना करें तो। दोस्तों, जब भी सांप किसी इंसान को काटे तो इसका इलाज सरकारी अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ना ही तंत्र मंत्र, ओझा या झाड़ फूक के चक्कर में पड़े, क्योंकि दोस्तों सांप जो होते हैं ये इंसानी बस्ती में, इंसान के घर में, ना ही इंसान का शिकार करने के लिए, ना ही इंसान को डसने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये तो अपने खाने के चक्कर में, भोजन के तलाश में कहीं भी आ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हलो ना करे, हमेशा हमारे घर के आसपास कचरा ना डाले, कोई खाने पीने की चीज ना डाले, जिसके कारण मेंढक, चूहे इन चीजों को खाने आते हैं और उनका सफाया करने के लिए ऐसे बड़े बड़े सांप नाग हमारे घर तक आते। तो दोस्तों, ये हम इंसानों की गलती के कारण हमारे घर तक आते हैं, क्योंकि काफी सारा जंगल
ने पनाह लेने के लिए ना ही अभी जंगल है, इसलिए दोस्तों ये खाने के तलाश में, भोजन के फिराक में कहीं भी आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर बेजुबान जीव को इंसानों की बस्ती से, हम इन्हें कोशिश करते हैं इंसान और सांप दोनों कैसे सुरक्षित बने रहे। तो दोस्तों अभी सांप को हम फौरन हमारे बोतल में डालेंगे और सुरक्षित जगह आज़ाद करेंगे, रिलीज़ करेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।